रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ द ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी। देर आर डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी। द फर्स्ट वन ब्रांच इज़ मॉर्फोलॉजी, सेकेंड वन एनाटॉमी, थर्ड वन हिस्टोलॉजी, नंबर फोर फिजियोलॉजी एंड द नेक्स्ट वन इज़ टैक्सोनॉमी। सो लेट्स डिस्कस द फर्स्ट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट इज़ द मॉर्फोलॉजी। The word morphology is also derived from two words, morph and logy. Morph mean form and shape, logy mean study. के आप अगर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की फॉर्म या शेप, यानी कि उसकी शेप कैसी है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग किसी के फेस की बात कर रहे हैं तो हम कहते हैं कि उसका फेस ओवल है, उसका फेस राउंड है, उसके ईयर्स ऐसे हैं, उसका नोज़ ऐसे है। तो जब भी आप किसी भी चीज़ की फॉर्म, किसी भी चीज़ की शेप, यानी कि एक्सटर्नली किसी भी ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हो तो एक्सटर्नल स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज़ कॉल्ड मॉर्फोलॉजी। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज़ द एनाटॉमी। द वर्ड एनाटॉमी इज आल्सो ड्राइव फ्रॉम टू वर्ड एना एंड टॉम। एना मीन्स अप, टॉम मीन कटिंग। के किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को जब आप कट करते हो, कट करके उसको जब आप स्टडी कर रहे हो, यानी कि डायसेक्ट करके स्टडी कर रहे हो, डायसेक्शन क्यों करते हैं, ताकि आप लोग इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में स्टडी कर सको। तो वो जो इंटरनल स्टडी है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, उसको आप क्या बोलते हो, एनाटॉमी। थर्ड वन हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी क्या है, हिस्टोलॉजी इज द स्टडी ऑफ कॉम्पोजिशन, स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल टिश्यूज़। कि जो भी प्लांट्स हैं, जो भी एनिमल्स हैं, उनके जो टिश्यूज़ होते हैं, उनके बारे में जब आप लोग स्टडी करते हो कि वो टिश्यूज़ का स्ट्रक्चर क्या है, उन वो टिश्यूज़ के फंक्शंस क्या हैं, उन टिश्यूज़ की कंपोजिशन क्या है। कंपोजिशन मीन कि वो टिश्यूज़ किस किस चीज़ से मिलके बने हैं। तो इस सब के बारे में जो आप लोग स्टडी करते हो वो कौन सी ब्रांच में करते हो, हिस्टोलॉजी में। द नेक्स्ट वन ब्रांच इज़ फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ डिफरेंट फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। के जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं वो क्या क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ह्यूमन बींग्स की बात करें तो ह्यूमन बींग्स में अगर हैंड्स हैं तो वो क्या काम कर रहे हैं, अगर आपका नोज है तो वो क्या काम कर रहे हैं, अगर आपके आईज है वो क्या काम कर रहे हैं। लेट्स मूव टू वर्ड्स द प्लांट्स। के अगर प्लांट्स की बॉडी है, प्लांट्स की बॉडीज के अंदर अगर रूट्स हैं तो वो क्या काम कर रहे हैं, लीव्स है तो वो उनका क्या फंक्शन है, वो क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म करें। तो ये जो डिफरेंट पार्ट्स हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, जो डिफरेंट पार्ट जो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उसको आप क्या बोलते हो, फिजियोलॉजी। ठीक है, द नेक्स्ट वन ब्रांच इज द टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी क्या है, इज द स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन एंड द साइंटिफिक नेमिंग। क्लासिफिकेशन क्या है कि क्लासीफाई करना। क्लासीफाई मीन्स के किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को आप जब ग्रुप्स में या सब ग्रुप्स में डिवाइड करते हो, उस प्रोसेस को आप क्या बोलते हो, क्लासिफिकेशन। यानी कि डिवीजन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। और जब आप ग्रुपिंग कर लेते हो तो आप एक प्रॉपर उसको नेम देते हो, जो ऐसा नेम जो पूरे वर्ल्ड के अंदर माना जाता है, उन नेम्स को आप क्या बोलते हो, साइंटिफिक नेमिंग। तो जो आप क्लासिफिकेशन करोगे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, साथ साथ उनका जो साइंटिफिक नेम दोगे उसकी स्टडी को आप क्या बोलते हो, टैक्सोनॉमी। एंड टैक्सोनॉमी इज आल्सो द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी।